हवा कह रही है घटा कह रही है हंसी ये न जाना है, ये दिल ही ये समझेगा दिल ही ये जानेगा दिल का इशारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत से मोहब्बत ने पुकारा है, मोहब्बत ने मोहब्बत से मोहब्बत ने पुकारा है। हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के मौज मस्ती चैनल पर मैं पी के श्रीवास्तव आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन धमाकेदार सेशन होने वाला है, रीजनिंग का नहीं बल्कि मैथ का, मैथ पार्ट 11 का जो है, आप लोगों को टॉप 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दोस्तों जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आई हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के समक्ष, ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि एक आदमी अपनी 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्चा करता है, एक आदमी 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्चा करता है, साल में 1500 रुपया बचाता है, तो उनकी मासिक आय क्या होगी, यानी महीने का पूछ रहा है कि एक महीना में वो कितना कमा रहा है। तो आपको सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो क्वेश्चन समझने की पहले आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि क्या कर रहा है, कि एक आदमी जो 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्चा करता है, यानी 2 महीने में जो काम करता है वो सब फैमिली मिलकर 3 महीने तक खर्चा करता है, उस पैसे को करता है, साल में 1500 रुपया भी बचा लेता है, तो उनकी मासिक यानी महीना का कितना इनकम वो कमा रहा है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये देख लीजिए, ये जो है 3 महीने का, 3 महीने का है, और ये जो है 2 महीने का, ठीक है। 3 महीने का कमाई कितना है यहाँ पर, 12 महीने का कमाई कितना होगा, गुने यहाँ पर 4 कर दो। अब देखिए 4 को और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 महीना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ये कितना यहाँ पर गुने 4, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर भी 4 देंगे, तो 2 और 4 को गुना करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 8, ठीक है। ये दोनों को डिफरेंट कितना है, 8 और 4 यानी 4 महीना, 4 महीना का पैसा इसको बचता है कितना दोस्तों, तो 1500 रुपया बचता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, 1500 रुपया बचता है, ठीक है, 1500 रुपया इनको 4 महीने में बच जाता है, तो 4 महीने में 1500 रुपया बच जाता है, तो 1 महीना का निकालना है दोस्तों, 1 महीना का निकालना है ना, तो 1 महीना का निकालने के लिए ये 4 से इसमें भागा दो, तो 1500 में है दोस्तों, अगर हम 4 से जो है भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 तिया कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हुआ, और इसके बाद 4 तिया 12 कितना बचा, 3 पे गया 0, तो कितना 4 7 28, 4 7 28, इसके बाद कितना 2 पे गया 0, तो कितना 4 5 20, यानी कितना रहा है दोस्तों, 375। अब देखिए ऑप्शन नंबर 375 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 375 मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या का योग कितना है, 15 है, यदि उनमें 9 जोड़ा जाए तो कितना होता है अंकों का, 9 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी अंकों का स्थान बदल जाता है कैसे, देख लीजिए मान लीजिए यहाँ पर 6 और 9 है, इनमें अगर जो है अगर हम 2 संख्या का योग यानी इन दोनों संख्या का योग इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा, और जैसे ये जो है 9 जोड़ देंगे, 15 में अगर 9 हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना है, 6 और 9 है ना दोस्तों यहाँ पर, तो अगर हम ये 9 जोड़ देंगे तो 9 पे 6 आ जाएगा, ऐसा आना वो मांग रहा है ये प्रश्न। तो चलिए इसको करना क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए कि 6 और 9, 6 और ऑप्शन नंबर पहला लेते हैं, चलिए 6 और 9 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 6
पंद्रह आएगा। इनमें अगर हम 9 जोड़ देते तो कितना होगा, 15 10 25 में से एक माइनस हो जाए, कितना आ जाए 24। तो देखिए बदला नहीं बदला, नहीं बदला ना, यहाँ पर है 69 और यहाँ पर कितना है 24, या जबकि यहाँ पर आना चाहिए कितना 9 जोड़ने के बाद 96, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा पहला ये गलत हो गया, तो पहला ये गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या है, 7 और 8, 7 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 7 15, कितना आएगा 15 आएगा, 8 7 15 आ गया, 15 आ गया। अब देखिए इनमें क्या है दोस्तों, अगर जो है हम 78 में जो है 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 78 में जो 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 9 17 का 7, 7 में 1 7 1 8, कितना 87। अब देखिए ये कितना है 78 है, 78 को अगर हम पलटी कर देते हैं तो कितना आएगा, 8 पे 7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर मेरा ये बी करेक्ट सही हो जाएगा। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, आज का ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि एक व्यापारी ये क्या कर रहा है, एक व्यापारी के पास 100 यानी 100 किलो चीनी है, वह 1/7% के लाभ से और बाकी 17% के लाभ से, यानी 1/2 का जो चीनी है, ठीक है, 1/2 का जो चीनी है तो 7% के लाभ से जो है बेचता है, इसके बाद बाकी का जो भाग का चीनी है वो 17% के लाभ से बेचता है, वह पूरे 10% लाभ पर लाभ करता है, यानी पूरे ये और ये मिला के कितना 10% लाभ करता है, तो 7% लाभ पर कितना चीनी बेचा, 7% लाभ पर इस पे जो है कितना चीनी वो बेचा है दोस्तों। सबसे पहले आपको देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले आपको एक सिंबल बना लेना है, कितना है दोस्तों सबसे पहले तो ये 7%, ठीक है, चलिए 7% इधर लिख दिए, इसके बाद कितना है दोस्तों 17% इधर लिख दिए, ठीक है 17% इधर लिख दिए, इसके बाद जो है दोस्तों अब यहाँ से जो है कितना है 10%, तो 10% हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से एंडग्राम बना लीजिए, ठीक है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है। अब इसको करना क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए अब क्या कर रहा है, अब देखिए 10 जो है ना, 10 में से आप ये 17% 17% में से 10% आप घटाइए कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 7%, ठीक है। अब देखिए 10% में से आप 7% को घटाइए तो कितना आएगा, ये 3%, ये कितना होगा दोस्तों, ये और ये दोनों कितना आएगा 7:3 आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 7:3 आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि 7% लाभ पर कितना चीनी बेचता है, तो 7% लाभ पर कितना चीनी बेचता है, तो ये जो अनुपात है दोस्तों इन दोनों जुट जाएगा, जुटने के बाद 7 और 3 कितना होगा दोस्तों 10, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 7% लाभ पर तो 7% ऊपर जाएगा और परसेंटेज जैसे हटेगा तो ये 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, अब कितना बचा दोस्तों, ये 7 और ये 10, 7 × 10 को गुना करेंगे कितना आएगा दोस्तों 70। देखिए ऑप्शन नंबर 70 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 70 मेरा करेक्ट ये सही आंसर हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है दोस्तों कि 3 क्रमागत संख्या 3 क्रमागत सम पूर्णांक का योग कितना है 24, यानी 3 सम क्रमागत मतलब कोई भी संख्या लो 1, 2 या 3, अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों 54। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक तथा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इसमें क्या कर रहा है सबसे छोटा पूर्णांक, जो सबसे छोटा पूर्णांक है दोस्तों, ठीक है, सबसे छोटा संख्या जो है उसको आपको जो है ना बताना है, उसको बताएंगे कैसे दोस्तों, ये देख लीजिए मान लीजिए कितना है दोस्तों ये 54 है, 54 में अगर हम ये 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, तो ये क्या होगा, ये मिड पॉइंट यानी बिचला संख्या हो गया 18। अब देखिए बिचला संख्या 18 हो गया तो 3 संख्या बोल रहा है, तो 18 के बाद क्या होगा, एक सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं।
अब देखिए 18 के बाद जो है 19 सम संख्या है, नहीं है 20 है, तो यहाँ पर 20 होगा। इसके बाद जो अब देखिए ये तो 18 के बाद हो गया, अब 18 से पहले कौन सा आएगा, 17 सम संख्या है क्या दोस्तों, 17 सम संख्या नहीं है, 16 है, तो 16 ये सम संख्या होगा। आ गया ये पिछला 18, ठीक है 18 मिड पॉइंट यानी पिछला संख्या आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से, अब देखिए यहाँ पर इनमें सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है दोस्तों, 20 है या 16 है, तो 16 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 16 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 16 मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, पी के मौज मस्ती चैनल के सदस्य को दे दीजिए इजाज़त, बाकी बात कल फिर मिलते हैं, ओके बाय।